होप्सो कि सारे के सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हमारे पास में जो प्रोजेक्ट आए हुए हैं, जो बिहार और झारखंड उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो लोग सोचते क्या है कि मुझे नियर बाई लोकेशन में काम मिल जाए, मुझे नियर बाई लोकेशन में काम मिल जाए। तो देखिए, मैं आपको साफ साफ ये बात को मेंशन कर देना चाहता हूँ कि ये आपके इतना ज़्यादा डिस्टेंस में जॉब नहीं रहेगा जो आप लोग जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। एकदम नियर बाई में काम है, किसी के घर से 5 घंटे का रास्ता है, किसी के घर से 6 घंटे का रास्ता है, और बिहार झारखंड यूपी से 12 घंटे का मैक्सिमम रास्ता होने वाला ये। और कोई और लोकेशन में जॉब्स नहीं है, बल्कि कोलकाता लोकेशन में है। 8 मेन लड़के लोग कंटिन्यूसली जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और अभी 15 सितंबर तक अभी इसमें टोटल 100 कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। मतलब 15 सितंबर 2024 तक जितने भी सारे कैंडिडेट कंपनी में पहुंचेंगे, उसका ज्वाइनिंग प्रोसीजर कंप्लीट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इनको दीपावली में बोनस भी मिलेगा। सेकेंड थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि 15 सितंबर से पहले सबको कंपनी ज्वाइन करना है। ये उम्मीद लगाए मत रहना कि हाँ 15 सितंबर आएगा, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद कंपनी जाके ज्वाइन करेंगे, तो ये प्रोसेस गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा सैलरी मिलता है, एक अनुमानित अच्छा सैलरी मिलता है, 8 घंटे का परमानेंट नौकरी रहेगा, बिल्कुल फ्री में ज्वाइनिंग मिलेगा। देखो, कोलकाता में एक्चुअली में ये होता है कि बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसीज भी होते हैं। हमने ही बहुत सारे जॉब का एडवर्टीजमेंट किया प्लेसमेंट एजेंसी बेसिस, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है फाइंड जॉब्स वैकेंसी पे जितने भी सारे जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट शेयर किए जाते हैं वो बिल्कुल फ्री होता है, उसका कोई चार्जेस फीस नहीं लगता। आप देखिए, यहाँ पे ये फ्री जॉब है, और यहाँ पे फ्री जॉब के साथ साथ मैं बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम मैनेजमेंट का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी है। याद रखिए, ये जॉब फ्री है, लेकिन एडवर्टीजमेंट अच्छे से समझना, आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो देखिए, अभी लास्ट डेट मेंशन किया गया 15 सितंबर 2024 को, और 15 सितंबर 2024 तक सब लोग कोलकाता आ जाओगे तो बेहतर रहेगा। सो यहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है, तो ये फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे ग्रैंड ओपनिंग होने वाला है। मतलब फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में ये काम होने वाला है आपका बेसिकली। सो तो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में आपका काम क्या क्या रहेगा, उसके बारे में हम आपके साथ में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें जो आपका काम रहेगा, पैकिंग का रहेगा, पिकिंग का रहेगा, स्कैनिंग का रहेगा, डिस्पैचिंग का रहेगा, लोडिंग का रहेगा, ये सारा चीज़ें जो होता है ना, ये मिक्स काम करना होता है, बिकॉज मिक्स काम को आपको करना ही होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें सफिशियंटली आपको नहीं सोचना कि मुझे पैकिंग का ही काम करना है, मुझे पिकिंग का ही करना है, मुझे स्कैनिंग का ही करना है, तो ऐसा यहाँ पे कोई फंडामेंटल्स नहीं होता। सारा काम आपको करना होता है, सब काम को मैनेजमेंट करके हो करना होता है। तो ये चीज़ें पहले सोच ले, वहाँ पे पहुँचने के बाद एक्सक्यूज करोगे कि मुझे तो सिर्फ पैकिंग का काम बताया गया है, यहाँ पे ऐसा करना है, तो ये गलत है। आपको मैं पहले ही साफ सुथरा और क्लियर भाषा में ये चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे लोकेशन हरीन घटा कोलकाता लोकेशन में है, मैप लोकेशन भी आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगा। नियर बाई रेलवे स्टेशन हावड़ा कोलकाता है, और हावड़ा लोग को हावड़ा से लोकल ट्रेन पकड़ के आना है यहाँ पे हरीन घटा लोकेशन, या फिर वहाँ से बस भी ले सकते हो, बस की भी सुविधा वहाँ पे मिलती है, तो वहाँ से बस पकड़ के हरीन घटा लोकेशन आ सकते हो। सो राइट नाउ यहाँ पे ड्यूटी की बात करूँ तो इसमें ड्यूटी 8 घंटे का ही होता है, 1 घंटे का ब्रेक्स वगैरह होता है, तो यहाँ पे 9 घंटे और 26 दिन काउंट होते हैं। उस बेसिस के आधार पे अगर देखोगे तो 9 घंटे और 26 दिन का यहाँ पे ड्यूटी होने वाला है। सो अब देखो, यहाँ पे सैलरी जो है 12,500 रुपये इन हैंड है, ये पीएफ ईएसआईसी कटने के बाद में 12,500 रुपये आपका इन हैंड पेमेंट रहेगा, प्लस में पीएफ, प्लस में ईएसआईसी, प्लस में बोनस, रूम अवेलेबल करा के दिया जाएगा, एक टाइम खाना कंपनी की तरफ से फ्री है। अगर ओवर टाइम मिलेगा तो 14 से 16 हज़ार के बीच में बनेगा, और ओवर टाइम मिलता है हर महीने के 20 से 22 तारीख के बाद मिलता है, और 30 तारीख तक, मतलब 8 से 9 दिन आपको ओवर टाइम की फैसिलिटी मिलती है। सो क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास आउट है, 10वीं पास होना कॉम्पल्सरी है, जेंडर में मेल कैंडिडेट की हायरिंग है, और यहाँ पर एज 18 से 36 साल है, यानी मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 36 ईयर है। 18 से 36 साल तक के कैंडिडेट इस कंपनी में डेफिनेटली से चलेंगे। फैसिलिटी में है, रूम प्रोवाइडेड है, वन टाइम का खाना है, मतलब रूम कंपनी के तरफ से मतलब एडजस्ट कराया जाएगा, एक टाइम का खाना मिलेगा। रूम का जो रेंट है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रूम का रेंट हमें कैसे देना, देखो इंटरव्यू हो जाएगा आपका, ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद रूम का रेंट आपको देना ही होगा। देखो रूम का कंडीशन के ऊपर रूम का रेंट डिपेंड करता है,
₹500 वाला भी रूम है, लेकिन 500 वाले रूम में जो है पानी का बहुत दिक्कत होता है। तो 200-300 के चलते पानी का दिक्कत उठाओगे, ये गलत बात है। तो यहाँ पे रूम का कॉस्टिंग जो पड़ेगा 700-800 पड़ेगा, जिसमें ना तो पानी का दिक्कत रहेगा ना ही रहने का दिक्कत रहेगा, आपको रूम अच्छा मिल जाएगा। बाकी जो नीचे बिछा के सोना चटाई वगैरह ले लेना खुद से, और रूम आपको मिल जाएगा 700-800 रुपये, मैक्सिमम 1000 रुपये तक रूम का लेके चलना, पकड़ के चलना। और वहाँ पे एक टाइम का खाना कैसे मैनेज करोगे, तो एक टाइम का खाना होटल्स वगैरह है वहाँ पे खा सकते हो, बिकॉज होटल्स में सस्ता खाना मिलता है। कोलकाता जाना जाता है चीपेस्ट मतलब खाना, मिठाइयाँ सब कुछ वहाँ पे चीप रेट में मिलता है। बिकॉज हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दिया, नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जॉब लीजिए। थैंक यू सो मच।